सारा सत श्रीकाल। ऐदा नहीं सत श्रीकाल चाहिए, एक बार दोबारा सारा सत श्रीकाल। हुण वाकई लगता है कि पंजाब नंबर वन ध्यान वाला है, हुण कोई नहीं रोक सकता। तकरीबन सारे ही मैंने जानते होने, फिर जो कोई नवे आए हैं, मेरा नाम सरबजीत सिंह नंदा, प्रोफेशनली मकैनिकल इंजीनियर हाँ। इंजीनियरिंग करने तो बाद तकरीबन 20 साल का फैक्ट्री का अपना एक्सपीरियंस है स्पेयर पार्ट्स का, 15-16 साल LIC ऑफ इंडिया के नाल भी लगाए मोहाली ब्रांच के नाल। एना कुछ करन तो बाद भी कुछ लगता सी कुछ घाट है, कुछ कुछ कमी है जिंदगी दे, मैं शायद अपने आप नूं कामयाब या सक्सेसफुल नहीं कह पा रहा सी। इसे करके कुछ ना कुछ तलाश जारी सी। अज थोड़े इत्थे सारिआं दे बैठन होण दा इक्को ही सबूत है कि तुसीं भी कुछ लभ रहे हो। आज मैं थोड़ा जा टॉपिक सीरियस रखांगा। मैं जो भी स्टेज आना लोग कहते पर हम चुटकला ही सुनाएगा बस, और कोई काम नहीं, लेकिन आज थोड़ी जी सीरियस गल कर ली। नहीं हो तो कई जान गए, मैं रोक नहीं सकता अपने आप नूं, हो बैठा उन्हें आजाद जी कह रहे थे, कहते चुटकले भी मैंने लगता सीरियस ही सुनाओगे। दोस्तों मैं सीरियस गल इस करके कह रहा कि आप इतों जो सारा कुछ देख के जाने एक्साइट होके जाते हैं तो किसी होर दे डिसीजन करके असी अपनी लाइफ नूं भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। एक सिंपल जा आप सारे मार्केट च निकलते होने, सारे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, सारे सब तो ज्यादा सानू आंसर अगे की मिलता है, आप किसी को कहने भी FLP की प्रोडक्ट ले लो तुसी, उतो जवाब की मिलता है, नो महंगे है। कौन कौन कहता है महंगे है? लेकिन मैं हुणे 5 मिनट च प्रूव कर दांगा कि वाकई महंगे है। FLP च मेरी शुरुआत फादर दे हेल्थ प्रॉब्लम करके, तकरीबन सारे नूं पता है डायबिटिक्स सीगे, 200-250 फास्टिंग रहिंदे सीगे, दिल्ली तो सगू जी और मिस्टर TPS बेदी कहिंदे सी उहनां नूं एलोवेरा देना शुरू करो। मेरा पैसे कमाण दा उस टाइम ते माइंड च कोई भी 1% भी इरादा नहीं सीगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रिजल्ट्स ऐसे मिले कि 2004 तो लैके उन्होंने एलोवेरा पीना शुरू किया, जिथे डॉक्टर कहते सीगे कि इन्हों नूं तुसी इंसुलिन लगा लो। उस तो बाद तकरीबन मेरे फादर मेरे नाल 4 साल हो रहे, 2008 दे विच वो एक्सपायर हो गए, लेकिन वो 4 साल च उन्होंने दोबारा इंसुलिन कदे भी नहीं लगी। मदर नूं थोड़ी जी किडनी दे रिलेटेड प्रॉब्लम सीगी, फादर दे जाण तों बाद या टेंशन करके या किसे कारण करके उन्हां दा क्रिएटिनिन लैवल 6 दे आले दुआले आ गया। डॉक्टर कहंदे जी इहनां नूं हुण तुसीं डायलिसिस ते लगाओ। मेरे मदर दे अंदर एक तरह की अजीब जी ख्वाहिश सीगी कि रब्बा मैनूं उदां ही चक ली डायलिसिस ते ना लैके जाए। उस तो बाद फिर मैं उन्होंने कहा कि अगर तुसी डायलिसिस नहीं कराने देन स्टार्ट यूजिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 2009 तो बाद उन्होंने किडनीज वास्ते प्रोडक्ट लेना शुरू किया, और जिहड़ा लेवल उन्होंने 5-6.5-6 रहिंदा सीगा वह घट के 3-3.5-4 आ गया। हालांकि डॉक्टर कहते सीगे इट इज इररिवर्सिबल, ये वापस नहीं आ सकता, लेकिन आया उन्हों का। लास्ट ईयर मैं उन्होंने गवा दिता, लेकिन वो 6 साल FLP दे प्रोडक्ट के कारण उन्हों की डायलिसिस नहीं हुई।
हुण किन्नू लगदा है कि प्रोडक्ट महंगे है। एक होर एग्जाम्पल देके मैं एग्जाम्पल बंद करांगा। मेरी जिथे फैक्ट्री सी मेरे नाल एक होर मेरे फ्रेंड की फैक्ट्री सी मिस्टर मावी इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ दे। उन्हां दी आई साइट दे विच एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिन्हों माइकुलर डीजनरेशन कहते हैं। उहदे नाल की होंदा है अखां दे उपर रैटिना दे उपर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता। अजे मैं नवा नवा ही फॉरएवर दे विच आया सीगा, मैं उन्होंने दसिया मैं क्या इस तरह से साढ़े कुछ प्रोडक्ट्स है लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एमरजेंसी केस से उन्होंने की होया कि डॉक्टर ने तकरीबन एक डेढ़ महीना कहा कि महीने डेढ़ महीने तक तुम देख सकते हो फिर थोड़ी आईसेट चले। उस प्रॉब्लम के होंगे की है कि सानू सेंटर वाला पोर्शन नहीं दिखाई देता, साइडा तो थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है बस। जो मैं एफ एल पी शुरू किया तो उन्होंने इलाज सैक्टर 32 हस्पताल चलता स, मैं उन्होंने प्रोडक्ट बारे दसा कहते नहीं यार मेरा ट्रीटमेंट चल रहा ऑलरेडी। थोड़े दिन बाद थोड़े निराश जे हुए, कहता यार 32 वाले ने जवाब दिया। मैं क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स है तुम ट्राई करो, कहता नहीं हूं मैं पीजीआई चले गया, मेरा ट्रीटमेंट हूँ पीजीआई हो रहा। महीना डेढ़ महीना हो निकलिया होना, एक दिन खड़े सके अखा चो उन्होंने पानी निकले। मैं क्या की गल होगी, कहते पीजीआई तो भी जवाब मिल गया। हुण मेरी फैक्ट्री सेल ते है, मेरा घर सेल ते है, मैं चाहना कि एक दुकान या कोई शोरूम ले लां ताकि किराया आंदा रहे फैमिली चलती रहे। मैनू बहुत ज्यादा पता नहीं सी, मैं क्या चलो तो यह है एक एक्टिवेटर तुसीं पाना शुरू करो। 7-8 दिन बाद फिर मेरे को आ गए, कहते भाजी थोड़ा दफ्तर है मैं देखना चाहना। उस टाइम 34 सैक्टर ऑफिस से मैं उन्होंने लैके सैक्टर 34 ऑफिस चले गया। कहते यार अखां दे रिलेटेड होर केड़े केड़ा प्रोडक्ट है मैंने दे दो। मैं उन्होंने बिटसन पीजेस दे दिता, लाइशियम देता और विजन दे दिता। उस तो बाद मुलाकात नहीं हुई, तकरीबन डेढ़ महीने बाद आए एंड ही वॉज सो हैप्पी। कहिंदा भाजी 2.5 साल बाद पहली बारी अखबार आप पढ़ के आया मैं अपनी। हुण कौन कहता प्रोडक्ट महंगे हैं? एक एलोवेरा जेल लैन मैं 10 साल पहला आया सीगा फादर दी डायबिटीज के कारण। पिछले 10 साल च मैं तकरीबन 5 करोड़ रुपया एफ एल पी तो कमा चुका। अगर मैं अपने सारी जिंदगी का अगर हिसाब रखा पिछले 52 साल दे विच जो मैं 10 साल च एफ एल पी कमाया, मेरे पहले महीने की इनकम 70,000 रुपये बनती है। हर महीने की इनकम 70,000 रुपये बनती है और एक ऐसी इनकम है जेड़ी के ऑन गोइंग जनरेशन तक जल्दी चली जाएगी, जनरेशन तक जल्दी चली जाएगी। ते असी किसे नू फॉरएवर बारे दसदे हां, आज भी मेरे को कई लोग ऐसे आ जाते हैं। मैं उन्हें कहा जी फॉरएवर, कहते भाजी तुसी 2005-06 भी यही जिया गल्लां करते सीगे। मैं क्या आज शुरू कर लो, कहता नहीं भाजी प्रोडक्ट महंगे हैं। मैं लोकी लखां करोड़ रुपए कमा गए, तुसी अजे भी उत्थे अटके हो। जब मैं फॉरएवर च आया सीगा मैं हवाई पूछ हवाई जहाज की पूछ भी नहीं देखी सी, कदे कदे पासपोर्ट ही नहीं बनाए। लगता ही नहीं सीगा भी मेरे वर्गा बंदा यार कितने बाहर जा सकता हिंदुस्तान तो बाहर। अज तकरीबन 70 टाइम 70 वरी मैं फॉरएवर दे विचो नैशनल इंटरनेशनल टूर लै चुके हैं फॉरएवर दे। जब मैं फॉरएवर चाया सीगा 2005 दे विच मेरे को एक पुरानी 1993 मॉडल मारुति कार होंदी सी जो मैं इस करके बेच रहा सीगा कि 4,000-5,000 रुपया हर महीने का जिहड़ा पेट्रोल लगता है वो शायद बच जाएगा। लेकिन दोस्तों जो साइकिल तो स्कूटर पर जाने बड़ा फकर होता है, दो स्कूटर मोटरसाइकिल तो जो कार पर जाने बहुत फकर महसूस होता है, लेकिन जो कार तो साइकिल पर आना पे फिर दिल से पत्थर रखना पड़ता।
2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਐਫ ਐਲ ਪੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਗੋ ਗੱਡੀ ਐਫ ਐਲ ਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਏ ਕੀਤੀ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਵਰਲੇ ਕਰੂਜ਼ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਐਫ ਐਲ ਪੀ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੰਟੋ ਬਾਏ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂ 2014 ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਬਾਏ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਰੂਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਗੋ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣੋਗੇ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲ ਖੜਿਆ ਉਹ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਰੈਸਟ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1600 ਰੁਪਏ ਉਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੀਕਨ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਲੋਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਭਾਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਅ ਐਫ ਐਲ ਪੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਜਾਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਐਮਡਬਲਿਊ ਲੈਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕ ਸੈੱਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬੱਦਲ ਹੈ ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਸਿਰਫ 4 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ? ਓਕੇ, 4 ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਸੋਚੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, 10-20 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਸਟ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਚੂਰਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਡੈਰੀ ਲਓ, 50-100 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ।
मैं कई को जाना ना, मैं कहना भाजी किन्ने दी टिस्ट बनाई, किन्ने बंदे लिखे, कहिंदा 14 हो गए यार, अब कोई याद नहीं आ रहा। कहिंदा लगता है बंदे मुक गए, कहिंदा ओ मैं कह यार हिंदुस्तान च बंदे मुक गए, हिंदुस्तान च पानी मुक सकता है, बिजली मुक सकती है, बंदे नहीं मुक सकते। मैं कह जिहड़ी मर्जी गड्डी फड़ लै, जिहड़ी मर्जी ट्रेन पकड़ लै, जिथे उपर समान रखता उथे भी बंदे है, जिथे थले पेटी सदा उथे भी बंदे है, बंदे ही बंदे है। और साडा बिजनेस कादा है, बंदिया का बिजनेस है। लिस्ट बनानी है, फिर उन्हें क्वालीफाई किस तरह करना है, सारिया ट्रेनिंग साढ़े आडियो चलदिया रहिंदिया है, इस करके ट्रेनिंग्स नूं आपां जरूर अटेंड करी। ट्रेनिंग नूं बाहरों खड़े होकर आपां कामयाब नहीं हो सकते। उस तो बाद किस तरह लोगों नूं इनवाइट करना है, बस सिंपल जे तरीके नाल, थोड़ी हाइप क्रिएट करनी है, झूठ नहीं बोलना, अनएथिकल गल नहीं करनी, थोड़ा जा हाइट क्रिएट करनी। बहुत वधिया बिजनेस है, लोगों की किस्मत बदल रही है, तुसीं भी बदल सकते हो। जी आप किसी के घर जाने, किसी इनवाइट करते हैं, बच्चे का बर्थडे है आप प्लीज आना, या ये शादी का कार्ड है आप जरूर आना, परिवार के समेत आना। उत्थे थोड़ी कहते हैं आलू बट्टी बटर भी बनेगा, पनीर भी बना रहे हैं, असी आइसक्रीम भी बना रहे हैं, उत्थे थोड़ी दसते हैं। लिस्ट बन गए, इनवाइट करना सीख लिया, उस तो बाद किस तरह उन्होंने प्लैन करना, उन्होंने हैसियत के हिसाब के नाल, उन्होंने स्टेटस के हिसाब के नाल आपां प्लैन देना सीखना है, और कदे कदे विचों विचों उन्होंने फॉलोअप करना। ये चार स्टैप हैगे हैं जिहड़े कि सानू किते दे किते पहुँचा सकते, लेकिन होणगे तां जे अपना टारगेट सैट होएगा, अपना गोल सैट होएगा, तां ये बाकी का काम होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। हुण कौन कौन बंदे है जिहड़े के जल्दी अचीव करना चाहते हैं, जल्दी कौन कौन अचीव करना चाहता है, आवाज ना पता चलेगा, नेरा है नजर नहीं आ रहा, आवाज ना पता चलेगा। मंत्र दस दे, मंत्र दोस्तों, कामयाबी का सिर्फ एक ही मंत्र है, अपने ड्रीम नूं स्पेसिफिक करो, उस तो बाद एदा गोला वालो, उपर लिख लो लिस्ट, इधर लिख लो इनवाइट, इधर कर दो शो द प्लान, इधर कर दो फॉलोअप, ए आरपीएम बता दो, बस आरपीएम बता, और कुछ नहीं करना, सिर्फ आरपीएम बता दो। जो किसी को प्लान देने सिर्फ दो चीजा देखने वाली हैं, लोग पता किसी को प्लान देने, वो कहते मैं पूछूंगा किसी से सलाह करूंगा, वो जो कोई कश्मीर मसला फिर तो सलाह कर किसी ना जाके, जे अपनी लाइफ चेंज करनी है फिर कि सलाह करनी है, और आप सलाह उ करने जिन्होंने पता ही नहीं होता फर्क, उन्होंने सलाह करते हैं भाजी मैं कर ला फोर एवर, वो कहता वह की होंगी है, कहीं रुपए वाला एक बिजनेस है, लोग लख रुपए कमा रहे हैं, लोगों ने घर बदल ले, लोगों ने गड्डिया बदल लिया, वह फिर एक बार तो सोच पै जाता है, अंदरों पता की सोचता है, कहता कितने कमाई ना ले, छोड़ो इन्हें, रोक दो। एक बंदा सीगा उसकी घरवाली नाल नहीं बनती, गल सीधी अखीर ते पहुंच गई तलाक ते, बड़ा बेचारा दुखी जा रहा है, किसी रस्ते च कुटिया सी, कोई महापुरुष बैठे से, कहता चलो आशीर्वाद लैने शायद घर बच जाए, अंदर देखता महापुरुष बैठे अपने समाधि दे विच, जाके कहता बचा लो मेरे को, मेरा घर बचा लो, टूटने के गगार पे है। दो तीन चार बारी बोलता तो महात्मा जी होली अखा खोलते हैं, कहते हाँ हाँ बता बच्चा क्या बात है, कहता जी महात्मा मेरा घर अब टूटने जा रहा है बचा लो, कहते कोई नहीं, अच्छा बच्चा ठीक है,
ये मैंने ऐसे भगवा डाला ना, एक अंदर और है वो डाल के तू इधर इधर बैठ मेरे पास आ। कहते जी महात्मन क्या हो गया, कोई गलती हो गई? कहते मैं ये सोच रहा हूं कि तू पूछ किससे रहा है, अगर मेरे को पता हो घरवाली से कैसे बनती है तो मैं इधर जंगल में बैठा हूं। दोस्तों एक ही मंत्र है, जिन्हें जिन्हें भी कामयाब होना है, कोई सेमिनार ना छोड़ो, कोई मीटिंग ना छोड़ो, उस जगह ते आना बड़ा जरूरी है जिथे के कामयाब लोग मिलते हैं। इस करके तुसी ज्यादा तो ज्यादा आडियो जाया करो, मेरठ आडियो है, दिल्ली आडियो है, जिथे भी थोनों कोई खुराक मिलती है, जिथे भी थोनों कोई भी किसी तरह की ट्रेनिंग मिलती है, जरूर अटेंड करो, सारे कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच।